नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन जिसके पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखा कि यदि फंक्शन रेस्टू फंक्शन हो या फिर ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर के दिए गए हों तो उस केस में लॉग लेकर के पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन होगा अभी तक हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तीन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं टाइप वन जिसमें फंक्शन एस टू फंक्शन दिया हुआ होगा टाइप टू जिसमें ढेर सारे फंक्शन या तो मल्टीप्लाई होकर के आ रहे होंगे या फिर डिवाइड होकर के एंड टाइप थ्री जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन एस टू फंक्शन इन्वॉल्व होगा लेकिन वो फंक्शन एस टू फंक्शन या तो मल्टीप्लाई होकर के आ रहे होंगे या फिर डिवाइड होकर के डिवाइड होकर के दैट मीन्स इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड मौजूद होंगे आज के इस वीडियो में हम सब चौथे और पांचवे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरह ही चौथे टाइप के क्वेश्चन में भी एक से ज्यादा फंक्शन टू फंक्शन इन्वॉल्व होगा लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार मल्टीप्लाई या डिवाइड हो करके आने के बजाय ऐड या सबट्रैक्ट हो करके दिए गए होंगे कुछ इस प्रकार से इसी प्रकार से पांचवे टाइप के क्वेश्चन में भी एक से ज्यादा फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन इन्वॉल्व होंगे लेकिन चौथे एवं पांचवे टाइप के क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना होगा कि चौथे टाइप के क्वेश्चन में y इज इक्वल टू समथिंग एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x दिया हुआ होगा मीन्स सारे के सारे x के फंक्शन होंगे बट पांचवे टाइप के क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y दिया हुआ होगा तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइप फोर का पहला क्वेश्चन है एक्स टू पावर एक्स प्लस एक्स टू पावर साइन एक्स इसमें दो फंक्शन एस टू फंक्शन इन्वॉल्व हैं और वो भी ऐड होकर के आ रहे हैं तो जैसे ही फंक्शन एस टू फंक्शन दिखा कुछ लोग एक्साइटेड होकर क्या करेंगे कि आंख बंद करके लॉग ले लेंगे और ऐसा करते ही ये बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दावर एक्स प्लस एक्स टू दावर अब क्या करें तो मुस्कुराइए क्योंकि लॉग एम एन टू एन का प्रॉपर्टी हमारे पास होता था लॉग एम प्लस लॉग एन यहां पर क्या है ये एम प्लस एन के फॉर्म का है कुछ ऐसा लॉग एम प्लस एन हम इसको अब हम क्या लिखें क्योंकि ऐसा तो लॉग का कोई हमारे पास प्रॉपर्टी ही नहीं होता था फिर भी कुछ महान आत्मा लॉग एम प्लस लॉग एम लिखेंगे लेकिन ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डिफरेंसिएट करेंगे तो जब भी एक से ज्यादा फ़ंक्शन फ़ंक्शन टू ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के आ रहे हो तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल को कुछ लेट कर लिया करेंगे उसके बाद अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा जैसे यहां पर हम एक्स टू दावर एक्स को यू लेट कर लेते हैं एंड एक्स टू दी पावर साइन एक्स को बी तो ये जो वाई है हमारा बनेगा यू प्लस बी अब बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट एक्स तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी बी प्लस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इसको हम इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं अब U एंड V का हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं U क्या था हमारा U था x टू पावर x फंक्शन इज टू फंक्शन है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सो लॉग U इज इक्वल टू एक्स लॉग x यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये आएगा वन बाई यू इन टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट फंक्शन है होल्ड पर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन होल्ड पर फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन तो यहाँ से डी यू बाई आ रहा है एक X. So, यू एक्स एक्स कैंसिल होगा वन प्लस लॉग एक्स सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स एंड भी क्या है हमारा भी है एक्स टू पावर साइन एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सो लॉग भी इज इक्वल टू साइन एक्स पावर था साइड में आ जाएगा

Log x. अब हम क्या करते हैं भी का वैल्यू पुट कर देते हैं भी का वैल्यू था हमारा एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स अब डी यू बाई एंड डीवी बाई डीएक्स का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिंस du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स सो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कितना आया है एक्स टू दावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स का वैल्यू कितना आया है एक्स टू दावर साइन एक्स इंटू ये वाला पूरा का पूरा दिस ये आपका फाइनल आंसर है अगला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स अगेन फंक्शन रेस टू फंक्शन एड होकर के आ रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को हम यू लेट करेंगे एंड सेकेंड को बी अब ये फर्स्ट वाला तो टाइप वन का सेकेंड क्वेश्चन है जिसका डिफरेंशिएशन ये आता था बट सेकंड को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सेकंड है बी इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स फंक्शन रेस टू फंक्शन है सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सो लॉग बी इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स अब दोनों तरफ हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा वन अपॉन भी इंटू डीबी बाई डी एक्स इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन रूल सो डीबी बाई डीएक्स बी इंटू देश का वैल्यू पुट कर देते हैं तो दो स्टेप स्कीप करने के बाद फाइनली डीबी बाई डीएक्स का वैल्यू आ रहा है साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स अब यहां इक्वेशन वन है वाईक्वल टू देश प्लस दिस मीन्स u प्लस बी अब हम इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या होगा डीवाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई एक्स प्लस डीवी बाई एक्स। अब हम वाई बाई डी एक्स डी बाई एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर डीवी बाई एक्स का तो फाइनली डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू ये आ रहा है अगला क्वेश्चन है वाईक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें से एक फंक्शन एज टू फंक्शन है और दूसरा सिंपल फंक्शन है बट ये दोनों ऐड होकर के आ रहे हैं तो क्या करेंगे पहले को यू एंड दूसरे को भी लेट करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा वाई इक्वल टू यू प्लस बी नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन वन है अब u एंड v को हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं u क्या है x टू दी पावर x cos x फंक्शन एस टू फंक्शन है सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग इक्वल टू लॉग यू इक्वल टू दिस और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा डी यू बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है दूसरा है भी इक्वल टू दिस अब इसमें हम डिविजन रूल भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा वो लेंदी होगा तो हम क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा ये लॉग भी इक्वल टू ये एम बाई एन है तो लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विध रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा डीवी बाई डीएक्स का वैल्यू ये आ रहा है अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम डीयू बाई डीएक्स एंड डीवी बाई डीएक्स का वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा ये टाइप फोर का आखिरी क्वेश्चन है जिसमें चार फंक्शन टू फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं तो क्या करेंगे उनको कुछ लेट कर लेंगे लेट सपोज यू वी डब्ल्यू एंड जेड सो वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड

a वन w है ए टू द पावर x ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका एक्स टू द पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता था ए टू द पावर x लॉग ए एंड आखिरी वाला कांस्टेंट रे टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रे टू कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा अब हम इक्वेशन 1 में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं तो फाइनली dy dx का वैल्यू आ रहा है x टू द पावर x 1 log x a x टू द पावर a 1 a टू द पावर x है। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं ये टाइप फाइव का पहला क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर वाई प्लस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी जिसमें फंक्शन एज टू फंक्शन ऐड होकर के आ रहे हैं लेकिन इस बार फंक्शन एस टू फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं इम्लिसिट है तो वही काम करना होगा इसको u इसको बी लेट करेंगे सो so, u प्लस बी इज इक्वल टू बी Now, differentiating both side with respect to x, तो ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंसिएशन जीरो होगा अब इसको हम क्या करते हैं की equation one है। नाउ अब हमारा u क्या था ये x टू दी पावर y था फंक्शन इज टू फंक्शन है सो डिफरें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y इन टू लॉग ऑफ एक्स नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन अपॉन यू इन टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन होल्ड पर सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स होल्ड पर और फर्स्ट फंक्शन वाई का डिफ्रेंसिएशन डीवाई बाई डी एक्स तो यहां से जो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यू इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब हम यू का वैल्यू पुट कर देते हैं यू का वैल्यू पुट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा यू कितना था हमारा एक्स टू दी पावर वाई एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी कितना है भी है

सेकेंड फंक्शन लॉग वाई होल्ड पर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन तो यहां से डीवी बाई डी एक्स आ रहा है भी इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई अब भी, भी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो भी का वैल्यू पुट करने से डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा वाई टू दावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई अब इक्वेशन वन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं कि डी यू बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं डी यू बाई डीएक्स कितना था हमारा एक्स टू दी पावर वाई इन टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स कितना है वाई टू दावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू जीरो नाउ टेकिंग डीवाई बाई डी एक्स कॉमन तो जब डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई प्लस एक्स टू पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई टू दावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो तो फाइनली यहां से जो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस वाई इंटू वाई इन टू ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये एक्स के पावर वाई था और नीचे एक एक्स था तो ये एक्स के पावर वाई माइनस वन हो जाएगा प्लस वाई टू दी दावर एक्स इंटू लॉग एक्स और ये वाला नीचे आ जाएगा तो ये एक्स टू दावर वाई इन टू लॉग एक्स प्लस ये क्या है देखिए एक्स इन टू ये वाई टू पावर एक्स था और एक वाई नीचे है तो वाई टू पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा तो ये आपका फाइनली वाई बाई डी एक्स है और ये डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और ये आखिरी क्वेश्चन है x टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर y प्लस वाई टू दी x इक्वल टू एक्शन डीबी टू जीरो अब तीनों का अलग अलग होगा u क्या है x टू दि पावर x इसका तो हमें याद है वो कितना होता है x टू दि पॉवर x इंटू वन प्लस एक्स टू दि पावर वाई फंक्शन एस टू फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डिफरेंट करेंगे तो हमारा डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेने से लॉग इक्वल टू एक्स लॉग वाई डिफ्रेंशियट करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कुछ ये आ रहा है अब डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एंड डी डब्ल्यू बाई डीएक्स का वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो फाइनली डीवाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है